अमन डरना मत। अगर वो सामने पीयूष निकला तो जरूर डर। यार ये शार्क टैंक ना मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगता है। कैसे कोई 10 मिनट में ये डिसाइड कर सकता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट। या ये पैसे अपनी जेब से देते हैं या फिर चैनल देता है? वो सब तो ठीक है, बट एक बात बताओ, अनुपम ने सही में 200 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। वैसे मुझे ना सबसे मस्त वो लगते हैं पीयूष भाई, वो हर एपिसोड में आके ना अपने चश्मों की मस्त मार्केटिंग करते हैं। और अमन उनका बस चले तो वो सबको नौकरी पे रख ले। कौन है भाई? Alright, welcome to the hood. Imagine कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां आप खुल के जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। Introducing Hood App. Hood एक pseudonymous social network है। इसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी शेयर कर सकते हैं बगैर डर। Sucks, मेरा नाम है जसवीर। मैं हूँ अभिषेक अस्थाना। और मैं हूँ दीपक कुमार। और हम लोग हैं गुड़गांव से। सबसे पॉपुलर फीचर है हमारे ऐप का, वो है एनोनिमस ग्रुप्स। आप यहाँ पे आके अपने कंपनी के, कॉलेज का या कोई इंटरेस्ट का ग्रुप बना सकते हैं। एक और बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस ऐप पे आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल, सेफ एंड सिक्योर। हम दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं आप, वहां पर आप जो चाहे सच शेयर कर सकते हैं, लोग उससे एक वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। साक्स, हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी इन द कंपनी। कितना वैल्यूएशन हो गया? 600 करोड़। ये हम शेयर कर सकते हैं कि इक्विटी ठीक है या नहीं फुट पे? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो ब्यूटी है। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक्स। और आपकी जो एंट्री थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू सो मच। लगता है ये कि तीनों ड्रामा किंग हैं, टोटल ड्रामेबाज हैं। मेरा नाम है जसवीर और मैं हूँ यूपी के एक छोटे से शहर एटा से। पढ़ाई में शुरू से ही तेज था, मैथ मेरी स्ट्रेंथ थी, बीएससी मैथमेटिक्स से की। फैमिली और आसपास के लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहा है, तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। नंबर्स में तो था ही स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपना घड़ी लगा लिया कि आगे करना क्या है, और ऐसे शुरुआत हुई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की। दो बड़ी कंपनीज बनाई और बहुत से 9 से 10 करोड़ का एग्जिट लिया, और उसके बाद खूब मेहनत की, और अब एक ही लक्ष्य है, वो है हुड को बड़ा बनाने। तो ये कंपनी हुड, हाँ, ये ज़ोरो रीब्रांडेड है? यस। ज़ोरो में तो बहुत लोगों ने पैसा डाला था। यस ज़ोरो, इसीलिए तो वैल्यूएशन है सर। आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनॉनिमस पॉपुलर है, तो अपनी स्टोरी आप है ना, आप अपनी स्टोरी बताइए। मैं हूँ अभिषेक और मैं हूँ लखनऊ से। पहले मैं सुडोनिमस ब्लॉग लिखता था गब्बर सिंह के नाम का। जब डिलीट करने की बारी आई तो मैंने सोचा, देखा कि अकाउंट गब्बर सिंह का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा ब्लॉग्स बंद, ट्वीट्स चालू। ट्वीट्स एंड ट्रोल्स में बढ़ने से पहले पढ़ने भी ध्यान लगाया, इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए भी करी, बहुत सारी जगह मैंने जॉब भी करी और अच्छी जगह जॉब्स करी, लेकिन जो संतुष्टि अपना काम करने में वो कहीं नहीं। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। याद है मुझे, याद है। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और नहीं उमर नहीं था, खुलवाए वो ट्वीट जरा। एक ना कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। गुड वन, आज के डॉबरमैन तो हम हैं। तो ये ऐप का आइडिया आपका था? नहीं, हम दोनों का था मिला के। आप बताओ। मेरा नाम है दीपक, कोडिंग मेरा काम है, जो मिनटों में करती काम तमाम। जम्मू से हूँ, जैसे वहाँ इंटरनेट नहीं वैसे मेरे से कोई कोडर नहीं।
बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने एग्जिट ले लिया था, उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और वो था डॉट रिव्यू, और वो सिंपल फन के लिए था। मुझे टैग नहीं आता था, दीपक उसमें फोड़ू थे, तो हमने बोला यार एक काम करो, तुम अभी क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको देख लेते हैं। तो डॉट रिव्यू का मतलब बहुत सिंपल था, हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जहां पे जाके आप कुछ भी इन्वेस्टर्स के बारे में जान सकते। उसमें हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की और जिस कम्युनिटी का नाम था फाउंडर फोरम। तो जहां पे आके फाउंडर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल किसी गर्लफ्रेंड है वो बोल रही है नहीं या तो स्टार्टअप कर लो या मेरे साथ कर लो। फाउंडर ऐसी बातें करते हैं कि गर्लफ्रेंड ये हो, ये डिस्कशन फोरम है कि गॉसिप फोरम? नहीं नहीं, डिस्कशन फोरम जहां पे ये भी है कि लेट्स टेक एग्जांपल कि सम इन्वेस्टर्स इज सेइंग कि आप ग्रोथ में फोकस करो, ये बेहतर एग्जांपल है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमने देखा कि उस पे बहुत हाई एंगेजमेंट आ रहा है, और मुझे एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट शुरू से ही करना था 2012 से, कि मतलब मेक इट समथिंग रियली रियली। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर तक सीमित नहीं है। तब हम अभिषेक से मिले गुड़गांव में, डिस्कस किया पूरा आइडिया, और अभिषेक सोडोनिमस अकाउंट ऑलरेडी एक रन करते हैं ट्विटर पे। तो वहां से फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, वी टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months टाइम ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर हमने डिसाइडेड द नेम जोरो, 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 तो जोरो क्या करती है? मास्क ऑफ जोरो था ना, हाँ, तो वहां से आया था उसका नाम। ठीक है, तो ये अनोनिमस प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीबॉडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, फुल स्टॉप। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, अनोनिमस क्या होता है, सुडोनिमस क्या होता है? अनोनिमस क्या है कि कोई किसी की पहचान, किसी का नाम नहीं पता आपको। सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपका कंपनी है, कोई एक प्राइवेट ग्रुप बनाया, 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप उस ग्रुप पे वो 40 लोग जो हैं वो आपको पता है कि आपकी कंपनी के ही हैं, लेकिन कौन क्या है ये नहीं जानते, तो ये सुडोनिमस है। आपका अनोनिमस है, हमारा देखिए हमारा सुडोनिमस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप आओगे इस पे तो ग्रुप्स हमारा बहुत बड़ा फीचर है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा ग्रुप उसमें दिखा दो ना, प्रोडक्ट ही दिखा दो। हाँ, तो आप जब ज्वाइन करते हैं बेसिकली तो आपको ये बताता है कि OTP पूछते हैं आपसे, तो मैं अभी नंबर डाल देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और हम आपको एक यूनिक यूजर नेम तुरंत दे देते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाय द वे आपने कॉन्टैक्ट क्यों सिंक किया, आप तो एनोनिमस। ये वही सुडोनिमस वाली बात है कि अगर मैंने कॉन्टैक्ट सिंक किया है, मतलब कि मुझे पता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में लोग, तो वो एक सुडोनिमस नेटवर्क, खाली उन्हीं से बात करूंगा मैं। हाँ, आप कर सकते हो, चाहो तो कर, चाहो तो उनसे बात। ऊपर देखिएगा तो हॉट ऑन फूड है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है ट्विटर पे, आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं चीजें। इसमें क्या होता है कि आपके जो जो ग्रुप आपने खुद बनाए हैं या खुद ज्वाइन किए हैं वो यहाँ पे आते हैं योर ग्रुप्स में, और जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं वो हॉट ग्रुप्स हैं। बेसिकली इज अ सैलरी कंपैरिजन ग्रुप है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब देखिए लोगों ने क्या क्या शेयर कर रखा है। आई एम वर्किंग SBI गेटिंग 70K प्लस 1 month एंड अदर पर्क्स लाइक कंट्रोल फर्नीचर। अब इस पे लोगों ने पूछा कि क्या मैं MBA करूँ कि नहीं करूँ, तो लोगों ने डिसाइड आंसर दिया इसको। कितने लोगों ने आंसर दिया? 20 कमेंट्स हैं इसके ऊपर, बहुत ही कम है 20। तो अभी तो हमने शुरू ही किया है, तो मार्केटिंग चालू भी नहीं किया। तो बेसिकली हमने जून में लॉन्च किया, जून में हम वर टेस्टिंग आउट द स्केल, बिकॉज वी सी कि ये प्रोडक्ट में अनोनिमिटी इज इटसेल्फ इज अ वायरलिटी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुश अ प्रोडक्ट, सो वी नो कि प्रोडक्ट टेक ऑफ करेगा। जून के बाद हमने बहुत मिनिमल मार्केटिंग किया, एंड लेस देन आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक अ 45 डेज वी हिट मोर देन 500K यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड देन वी रियलाइज कि एक काम करते हैं, अब यहाँ से वी विल बेसिकली हिट अराउंड ऑलमोस्ट लाइक अ 10 मिलियन यूजर, एंड देन विल बेसिकली मूव टू अनदर ज्योग्राफी। तो सेकंड मार्केट वी आर ट्राइंग टू टारगेट इज द US मार्केट। अभी इंडिया कवर नहीं हुआ, बट सीधा US जाने के लिए। नहीं, 10 आफ्टर 10 मिलियन विल बेसिकली टारगेट द सेकंड मार्केट। ऐसा क्या है आप में कि 600 करोड़ की वैल्यूएशन? हमारे ग्रोथ की वेलोसिटी देखिए, इस टाइम पे हमने 45 डेज में 500K यूजर्स हिट कर लिए, हमने एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 3.2 मिलियन यानी 23 करोड़ रुपए रेज कर रखे हैं। 23 करोड़ कहां से करें? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स ने। ठीक है, बट लास्ट वैल्यूएशन कितने राउंड पे किया था? 112 करोड़। और अब आप आए हो 600 करोड़ लेने। मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊं जल्दी से। ग्लोबली जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है 2 factors। अच्छा, द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड वेलोसिटी एंड टाइम, बेसिकली कितना बड़ा मार्केट है आप एड्रेस कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से आप। ठीक है, आपने सोचा कि 600 करोड़, ठीक, आपने सोचा शार्क तो नेगोशिएट करेंगे, 600 करोड़ लगा लेते हैं। आप प्री रेवेन्यू है? हाँ, प्री रेवेन्यू। तो नंबर्स की कोई मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करने का कोई फायदा नहीं, यूजर्स की बात। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। आपके पास कितने ग्रुप से और कितने लोगों को ऑनबोर्ड किया है? तो हमारे पास अभी करीब प्लेटफॉर्म में 5,000 ग्रुप बने हुए। टोटल यूजर्स करीब करीब हमारे 7.5 लाख यूजर्स हैं।
उसके अराउंड 30% उसका मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। तो कितना हो गया? 2,40,000 करीब। अच्छा, उससे डेली एक्टिव यूजर्स कितने? 60,000 डेली एक्टिव यूजर्स हैं। पर डे पोस्ट कितने होते हैं? क्योंकि कंटेंट सीडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? सो बेसिकली 10% यूजर्स जो आते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। 10% न्यू थ्रेड्स चालू होते हैं, एक थ्रेड में रिप्लाई भी आप काउंट कर रहे हैं? रिप्लाई भी काउंट करते हैं, रिप्लाई एंड पोस्ट बोथ। एक बार न्यू थ्रेड्स कितने चालू होते हैं वो बता दीजिए। वो 30-70 है। तो 1800 न्यू पोस्ट आती है? यस। अब ये बताइए जो थ्रेड्स 1800 न्यू पोस्ट आते हैं उसमें ऑन एन एवरेज कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं? क्लोज टू बी आई थिंक 5-6। दैट्स इट। ऑन एन एवरेज किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में जीरो होगा। 6 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए होगा पर पोस्ट। आई टॉक ऑनेस्टली, देखिए क्या है कि 45 डेज में जो ग्रोथ हुई है ना, सारे नंबर्स हिले हुए। अभी एवरेज बताना ना किस टाइम पे कि ये एवरेज क्या है, मे बी दैट एवरेज वुड बी अ 1 मंथ ओल्डर डेटा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको 2 महीने बाद बताऊंगा डेटा तो वो डेटा काफी डिफरेंट है। देखिए आपका जवाब मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका अगर सोशल नेटवर्क बना रहे हो आप तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट आई उसमें लोगों ने कितने रिस्पॉन्स की, एंगेजमेंट रेशियो कितना आया, राइट? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट येट अंटिल आपके एक पोस्ट पे जबरदस्त एंगेजमेंट है। आप ट्विटर में आपने देखे जो आप गब्बर सिंह चलाते हैं, आपके एक पोस्ट पे कितने आते हैं बताइए लाइक्स? नहीं देखिए, मीटिंग दीजिए अपनी, 60-70 आते हैं। अपना यहाँ पर तो कुछ नंबर ही नहीं आ रहा, 5-6 अगर देख रहा हूँ। इसका रीजन है देखिए, अभी हमने कुछ, अभी ये बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है? बेसिकली हमें तो उनका रिस्पांस है कि दे आर न्यू एंड इट विल हैपन। यू नो आप है ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अभी बहुत काम बाकी है। सोशल नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम लोग कर पाए। बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं मेरे को तो लग रहा है आपको भी सोचना चाहिए। नहीं, देखिए बहुत टफ है, इसलिए हम यहाँ पे आए। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कॉलेजेस जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं आई एम अहमदाबाद जा रहा हूँ लोगों को बताने की, वो बुलाया कि क्या करना है। आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है मार्केट करने के लिए, आपको कोई गड़बड़ नहीं लग रही है कि सोशल नेटवर्क कंपनी को एक कॉलेज में जाके शो करना पड़ेगा अपना प्लेटफॉर्म मार्केट करने के लिए? नहीं, मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं जाके लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्या जरूरत होनी चाहिए अगर प्लेटफॉर्म इतना केपेबल है, ये तो वायरल हो जाता है। आप ये बताइए, आप इस प्लेटफॉर्म को वायरल करने के लिए, जैसे वायरल मार्केटिंग कहते हैं, उसके लिए क्या आपने 3-4 चीजें सोची हैं, फीचर्स जिससे ये वायरल हो जाए? प्रूफ बेस्ड। सपोज ये कंपनी है, 20 लोग इस ग्रुप पे हैं, और जब 20 लोग आपसे बातें कर रहे हैं तो क्या होगा, जो 21वां बंदा जो होगा ना उसको आना इजी होगा, बिकॉज ही इज दो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको लाएंगे कैसे? मैं फिर से पूछ रहा हूं भाई, उसका आसान से जवाब दे दो ना। वायरलिटी कोएफिशिएंट कितना, कोएफिशिएंट कितना एक आंकड़ा होता है, वो जवाब दे दीजिए, पता चल जाए। तो अब वायरलिटी क्वेश्चन, एक बंदा है एटलीस्ट 3 बंदे लाए, अभी लाता है वो, अभी तो ला रहा है। तो आपकी फिर ग्रोथ तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए, अगर आज 7 लाख आप बोल रहे हो इतने डाउनलोड हो गए तो आप तो मिलियन बहुत आगे होनी चाहिए। नहीं तो न्यूमरेटर वही कम है ना, अभी तो हम ज्यादा लोग तक पहुंचे ही नहीं है, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है ऐप के बारे में। अच्छा, उनका हर एक आंसर वही है कि वी आर न्यू, वी आर न्यू। मुझे क्या लग रहा है ना, ये प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट कंपनी है, बिजनेस है, यहाँ आप आए हो मार्केटिंग के लिए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए, और किसके लिए नहीं, क्योंकि 1.2 करोड़ एट 0.2% इज अ जोक। और हम शार्क्स का करोगे क्या? 20 यूनिकॉर्न फाउंडर आपने ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है आप एक घोड़े पे बैठ गए हो ये सोच के कि इसको यूनिकॉर्न में बदलना है, और ये आपका पर्पस हो गया है। अनोनिमस नेटवर्क्स आर डेड, कोई गवर्नमेंट दुनिया में अनोनिमस नेटवर्क्स नहीं अलाउ करेगी डार्क वेब के अलावा। सुडोनिमस नेटवर्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्विटर, इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम, इन द फॉर्म ऑफ कोरा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिट, देयर इज नो यूज केस। So I'm out. Good luck. I think कि आप लोग जो 600 करोड़ मांग रहे हैं, you need a reality check. What your valuation is, what your value proposition is. और हर एक सवाल का आपका जवाब है हम नए हैं, हम नए हैं, लेकिन valuation 600 करोड़ का है। तो ये बहुत बहुत misconceptions हैं आपके दिमाग में। And for that reason, I don't want to be a part of your journey, and I'm out. आज तक हिस्ट्री में इंडिया से कोई सोशल वायरल नेटवर्क बना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं कि आप इसमें सक्सीड होंगे? I think the determination and the mission that I think last almost like 10 years that I'm trying to achieve, and we have like a great team.
हमने 12 साल लगाए हैं, हमने इंटरनेट पे रोज आके रोज लिखा है, लोगों का एक्सपीरियंस देखा है, लोगों का कमेंट्स पढ़े हैं, और वो जो लर्निंग है वो हमने इसमें डाली है बेसिकली। हमने जून में लॉन्च करने के बाद हमारे पास क्लोज टू बी 1 लाख यूजर्स थे। इफ यू सी टुडे वी हैव ग्रोन 7 टाइम्स इन 45 डेज। चलो मैं समझ गया हूं, आप अपना डिसीजन बता दीजिए फिर मैं बता दूं। मेरे को आईडिया पे कन्विक्शन थी, पर यहाँ पर हुआ क्या कि आप लोग की ह्यूमिलिटी नहीं दिखी मेरे को। एक फाउंडर की एक ह्यूमिलिटी होती है कि मैं आया हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वायरलिटी कोएफिशिएंट कितना है, ये आप लोग को पता नहीं मेरे पास 7x हो गया, यही आप बोले जा रहे हो तब से। उस यूफोरियम में मत आइए, थोड़ा जमीन पे वापस आइए। जो राइट नंबर है उनको डेली देखना पड़ेगा, अगर ये नंबर आप डेली नहीं देख रहे तो फिर नेटवर्क नहीं बना पाओगे। इन वजहों से मैं आउट होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे बहुत अच्छे लगे आप, जैसे अनुपम कह रहे थे मैं उनकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे थे आप घोड़े पे सवार हो यूनिकॉर्न बनने के लिए, तो कोई हार्म नहीं है। मुझे नहीं लगता आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज नॉट अ बैड थिंग। 600 करोड़ की वैल्यूएशन मेरे को समझ नहीं आता। सीईओ कौन है आपने? क्या सोच रहा हूँ मैं डालना चाहता हूँ, मैं भी डालना चाहता हूँ। मेरे को पर एक कंसर्न है, मैं रीप्राइज नहीं करूंगा। एक आई कैन कम एज पार्ट ऑफ द लास्ट राउंड। यस मी टू। आई नो काफी हिले हुए हैं कॉन्सेप्ट सभी, हमें और मैं डिस्कस कर लेते हैं इतने नंबर पर, यही कंडीशन है और कोई कंडीशन। जिस तरह से अमन ने आपका स्वागत किया अबाउट शार्क टैंक, मुझे तो नहीं लग रहा था ऑफर मिलेगा, तो ये तो बहुत मतलब कंप्लीट पासा पलट गया। यार मैं और अमन आपको 60 लाख इक्विटी देंगे, 30-30 लाख ईच, 60 लाख डेट देंगे एज एंड व्हेन यू नीड। डेट के टर्म्स होंगे 12%, हम पिछले राउंड की वैल्यूएशन पे आएंगे, विच विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 0.5%। टोटल आएगा 0.53%। हाँ 0.53% आएगा। ठीक है तो हम एक मिनट का टाइम लेंगे, जल्दी ले लीजिए। ठीक है पटा। डेट कैसे लेंगे यार, ये तो पैसे नहीं बनाते। लास्ट वाले भी लोगे ना तो फिर रिवाइज करना चैलेंज होगा। छोटा सा माउंटेड मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि मना कर दें। शार्क टैंक के बजाय मतलब उसका पुराना अतीत, बट अभी इफ ही इज डूइंग समथिंग, ट्राइंग टू डू समथिंग, I just want to be, मतलब I felt nice about it and I felt दिल से अच्छा लगा। दिल से आवाज है। तो थैंक यू पीयूष एंड अमन, लेट्स हैव अ डील। ओह नाइस। मेरे को ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, पर आपने एक बात बोली कि आप 2012 से कुछ बड़ा करने की ट्राई कर रहे हो, तो मैं भी ऐसे ही एक टाइम पे कर रहा था, तो देखो विल दिस बी द टाइम। इंसान का कर्तव्य है कोशिश करना। हाँ मैं भी ना खाऊंगा सब ऊपर वाले का। डायलॉग भी बाद में आएंगे। दिस मूवी वाज इन जुलाई, आई वांटेड टू अप्लाई फॉर शार्क टैंक। लास्ट डेडलाइन था 12 बजे का, मैं मिस कर चुका था। मुझे 0.1% एक होप था, मैंने कहा नहीं चलो करते हैं, लेट्स ट्राई। नमस्ते शार्क्स, हम हैं लेट्स ट्राई के फाउंडर। जब मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट हुआ तो मेरा पूरा ध्यान उसे हेल्दी स्नैक्स प्रोवाइड करने पर चला गया। 10 साल के अंदर अंदर अगर हम उनका जीन थेरेपी करवा लेते हैं तो वो परफेक्टली फाइन हो सकते हैं। अच्छा। एंड बट उसके लिए 9-10 crore का रिक्वायरमेंट था। ओह माय गॉड। सब कुछ जो स्टार्ट हुआ वो मेरे फादर के एक विश से हुआ, उनका था गुरांश को हमें ठीक करना है। वी एक्सेप्टेड द फैक्ट हम गुरांश का शायद इलाज नहीं करवा पाएंगे। इसी को देखते हुए हम कालराज ने लेट्स ट्राई की शुरुआत की। अमन यू वांट टू क्लोज इट 12%? आई एम रेडी टू डू दैट। आई एम विद यू एट व्हाटएवर यू डू। मेरी सिचुएशन शाक, आपकी डील हमने एक्सेप्ट करी। ऑलराइट यस लेट्स डू इट। आई टुक अ बेट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट डील्स। जब हमारा शो लाइव हुआ हमें रिस्पॉन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आने लग गए,
शार्क टैंक से पहले हम खाली दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल थे। एक छोटा सा रूम था हमारा जहाँ पे हम कढ़ाई में प्रोडक्ट बनाते थे और वहीं पे पैक करते थे एंड सेल करते थे। आज हमारे पास 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। अभी हम पूरा सेटअप इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन 4 times हो रहे हैं, हमारे साथ 70 लोग जुड़े हुए हैं। हमारी कंपनी 60 crore की वैल्यूएशन पे है। ये 60 crore की वैल्यूएशन को हम 150-200 तक लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। देन वी लिक्विडेट सम स्टेक जो हम ब्रांच के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। फिर जो एंटरप्रेन्योर ड्राइव 100% मेरी मदर से ही आ रही है, कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके हमें पालने के लिए ना एक बिजनेस खड़ा किया। आज मुझे बहुत खुशी होती है जो मेरा बच्चा यहाँ है, तो मेरी वो वाली पहले वाली इच्छाएं थी जो वो आज मैंने अपने मन से वो पूरी करी। I don't remember if I ever hugged my father. So I recently hugged my mom. I simply feel like my father hai na, he's somewhere above and he's fulfilling my every wish. Agar purpose aapka strong hai na, to aap 99 no sunne ke baad bhi na aap ek effort aur dalna chahoge aur karoge ki nahi yaar try karta hu. So we took a flight and wo flight Shark Tank thi. हेलो शार्क्स। सत श्री अकाल जी। जब भी हम खाने की बात करते हैं तो हमारी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो हमारी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करता है। इसीलिए आज हम आपके सामने एक लेके आए अनोखा और एक रोमांचक एक्सपीरियंस। चाहे 5 साल का छोटा बच्चा हो या हो 80 साल का दादाजी, सबको 3 ही चीजें पसंद है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और हम एंटरटेनमेंट भी है और बहुत डिलीशियस भी। तो शार्क्स, मेरा नाम है मनमीत बत्रा। मेरा नाम है कुवरप्रीत और आज हम दिल्ली से आपके लिए लेके आए हैं एशिया लार्जेस्ट एंड फर्स्ट टर्किश आइसक्रीम चेन ट्विस्टिंग स्कूप्स। हमारी आइसक्रीम 100% गोट मिल्क से बनती है एंड इसके अंदर है 0 chemicals एंड ऑल द नेचुरल टर्किश इंग्रेडिएंट्स। हमने अपनी आइसक्रीम की ऑथेंटिसिटी और टर्किश हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए टर्किश के लोकल सप्लायर्स के साथ टाई अप किया है और उन्हें हायर किया है। हमारी प्रोडक्ट लाइन सिर्फ आइसक्रीम तक ही सीमित नहीं है, हम बक्लावास, मिडिल ईस्टर्न एंड टर्किश कॉफीज, कुनेफे, फलाफल जैसी और भी अदर टर्किश डेलिकेसीज में डील करते हैं। हमारी जर्नी 2016 में शुरू हुई जब हम इस्तांबुल में थे और आज हमारे 37+ स्टोर्स हैं 15+ सिटीज। हमारा विजन है कि ये रोमांचक एक्सपीरियंस हम सारे लोगों तक लेके जा पाए और सारे सबके शहरों पे हम खुशियां लेके आए। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1 year for 2.5% इक्विटी। तो इसलिए शार्क्स कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि स्कूप में ही स्कोप है। मनमीत एंड कुवरप्रीत, करेक्ट? राइट। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इससे पहले क्या करते थे आप? We were doing as textile design, we were schooling only, and तब हम टर्की के अंदर हॉलिडे मनाने गए थे, and then we got this to India. आप दोनों साथ पढ़ते थे? Right. हाँ जी, we were school friends and then we. अच्छा, आप school friends, right? We're childhood friends. और कुछ किया है आपने इसके पहले कि सीधा इसी में घुस गए? नहीं, this was the first. We started at the age of 18 and I was 17, he was 18. स्पिरिट की कोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ है। राइट। बस यही बस यही बात है भाई। 17-18 में चालू कर रहे हैं, हमने तो बहुत लेट चालू किया। क्या उम्र है आपकी अब? As of now I am 24 and he is 23. अरे वाह। आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद आई वहाँ पर कि परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद? Performance is a crowd puller for us, but in the longer term, जो हमने experience किया है, ice cream is something जिसके ऊपर हम rely कर सकते हैं, क्योंकि इसी के basis में हम अपने return customers उबारा लाते हैं, and that is how we grow. Good thing. लेकिन जब आप बताते हैं 37 stores, तो वो ऐसे kiosk होते हैं mall में या actual stores like Haldiram, और a dining experience format क्या है आपका? So we have 3 kind of format. एक होता है kiosk format.
जो साइज रहता है 100 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट. देन वी हैव अ स्टोर फॉर्मेट जो 250 से लेके 300 स्क्वायर फीट. एंड देन वी हैव दिस काइंड ऑफ कार्ट मॉडल व्हिच वी ओनली हैव एट एयरपोर्ट्स जहां पे कमर्शियल रेंटल्स आर वेरी हाई. 37 स्टोर्स में से कितने कियोस्क है, कितने स्टोर है और कितने कार्ट है? 25 वुड बी कियोस्क. 4 स्टोर्स अभी तक हमारे हैं एंड कार्ट इज द बैलेंस. एंड कार्ट्स आर द बैलेंस. पहले तो टर्की में सिर्फ जाके लोग बच्चे बड़े खुश होते थे ये सब देख के. अभी यहाँ पर वीडियोस बन के सोशल मीडिया पे काफी लोग अपने आप प्रमोशन कर देते होंगे. इस तरह से पुल क्रिएट किया. लेकिन ये तो और कोई भी कर सकता है. हाँ बिल्कुल. दुबई में जाएं तो दुबई के अंदर देर आर मतलब 10 लोग यही काम कर रहे हैं. तो अभी तक कैसे कोई नहीं कॉपी करा इसको. इंडिया के अंदर अभी हम ही हैं. हम ही इसको स्टार्टिंग से कर रहे हैं. 37 आउटलेट खोलने तक भी अभी आप ही हैं और कोई नहीं आया अभी इस मार्केट में. बहुत लोकल हैं बट वो अपनी सिटी में कर रहे हैं. लोकल कोई थर्ड पार्टी आइसक्रीम परचेज करके कर रहे हैं. सो वो एक फूल बनाने वाला तरीका हुआ कि नॉट यूजिंग एनी ऑथेंटिक आइसक्रीम. ऑथेंटिसिटी नहीं है. आइसक्रीम खाना जाएंगे हम लोग पहले. बिल्कुल आप एक्सपीरियंस करिए. मैं आपको एक अचंभित हैरान होने की बात बताता हूँ. कुछ ही देर पहले अमित जी मुझे बता रहे थे कि ये टर्किश आइसक्रीम देने का काम करते थे. ये सही से पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे. अरे मैं गारंटी देता हूँ ये खुद करते थे कैसे नहीं पकड़ पाएंगे. दिखाइए. मैं तो पकड़ लूँ इसको. ओह दिस इज योर आइसक्रीम. वाओ तेरी डेयरिंग नहीं है मेरे को. जीस या मैं भी. ओह थैंक यू. ओह थैंक यू. खाली कौन मिला है मेरे को. ओह माय गॉड. ये या तो बहुत ज्यादा देंगे या बहुत कम देंगे. मे बी दिस इज इनफ. सॉरी योर आइसक्रीम इज दिस. पिरू आइसक्रीम देने के मूड में. नो सॉरी 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 दिस इज योर आइसक्रीम सर. इनको कभी किसी ने पीटा तो नहीं है ना? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ. सबकी हम लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हैं. अच्छा काम करते हो यार. मुझे अगर भूख लगी और कोई मेरे साथ ये करे ना मैं तो पीट लू उन्हें. दिस इज योर आइसक्रीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओह माय गॉड. मैं तो तुम्हारी आइसक्रीम पहले बार में पकड़ू. कम सर प्लीज. आइए सर. आ जाओ. सामने तुम हो मैं हूँ. हो जाए मुकाबला. ऑल द बेस्ट. कम ऑन अनुपम. मे बी दिस. Thank you. You won the game. Good one. By hook or by crook. अभी मेरे को फ्री में एक्विटी मिलती है ना भाई. एक कार्ट मेरे नाम. ये जो आपने मेरे को दिए रोज एंड पिस्ताचियो. रोज एंड पिस्ताचियो. और क्या क्या फ्लेवर्स हैं आपके पास? 45 प्लस फ्लेवर्स. ले आइए. रोज एंड पिस्ताचियो, लेमन कुकीज, चॉकलेट एंड हनी कॉम्ब, मैंगो एंड एलेपिनो. ये हमारी आइसक्रीम्स हैं. इसके साथ में जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे बकलावाज हैं. उसके अलावा हमारे पास टर्किश कॉफी एंड मिडिल ईस्टर्न टीज की भी रेंज है. एक आइसक्रीम कितने की है? एक आइसक्रीम जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 79 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है. वाओ. बट आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हो बिना किसी एक्सपीरियंस वगैरह के बिजनेस स्टार्ट करने में डिफिकल्टी नहीं? बहुत हुई डिफिकल्टी. बहुत डिफिकल्टीज हुई बट ऑनेस्टली गॉड वॉज काइंड एंड सारी डिफिकल्टीज से हम धीरे धीरे ओवरकम करते रहे. सीखने के लिए हम टर्की खुद गए. खुद सीख के हमने सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दी सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट. वेरी नाइस. ये तो एक हो गई स्किल सीख लिया. बिजनेस ऑपरेशन सीखना और उसमें क्या कठिनाई आई आपको शुरू? जब स्टार्टिंग में रियल इस्टेट हमें प्रॉपर्टीज चाहिए,
मॉल्स में एंट्री चाहिए बहुत प्रॉब्लम्स आई बहुत ऑब्स्टेकल्स आए बट हमने पहला स्टोर शुरू किया चंडीगढ़ एलांटे मॉल में वो हमने ओपन किया था 2017 के अंदर एंड वहां से फिर हमने मुड़के नहीं देखा वहां से फिर हमने स्टोर्स एक्सपैंड करते हुए हम सूरत गए हमने बॉम्बे किया फिर दिल्ली में हमें रियल एस्टेट मिलना शुरू हुआ कितने लोग हैं आपकी टीम में टोटल आउटलेट्स के और ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग के सब मिला के 240 और फाउंडर्स आप दोनों हैं और आपके बीच में कैसे इक्विटी स्प्लिट होती है 50-50 और कोई फंडिंग नहीं लिया अभी तक बूटस्ट्रैप आप क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं इसकी फैक्ट्री में कीर्ति नगर दिल्ली के अंदर हमारा प्लांट है जहाँ पे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम एयर इंडिया कार्गो के साथ पार्टनर्ड है सारी लोकेशन जितने भी हमारे कंपनी ओन स्टोर्स हैं विद इन 72 आवर्स के अंदर हमारा दिल्ली से लेकर आउटलेट तक स्टॉक पहुंच जाता है कहाँ से सीख लिया आपने हाँ यार सच में कमाल है यार के लोग हैं इतनी मेहनत करी इतना सीख लिया है यार कंपनी आउटलेट्स हैं सारी 37 पहले हम फ्रेंचाइज करते थे बट 2021 एंड से हम सारे कंपनी ओन स्टोर्स कर रहे हैं क्यों ऐसा क्यों हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था क्योंकि वो स्टाफ के ऊपर ढंग से स्पेंड नहीं करते थे वो आउटलेट के अंदर मेंटेनेंस पे स्पेंड नहीं करते थे कई बारी आइसक्रीम्स वो थर्ड पार्टी यूज करने की कोशिश करते थे तो हमारा मेजरली टाइम उनको ठीक करने में चला जाता था ये भी सीख लिया आपने स्ट्रांग फंडामेंटल्स ग्राउंड से खुद बनाते हैं इतनी लर्निंग हो जाती है क्या यूनिट इकोनॉमिक्स हैं काट के एक कियोस्क 150 स्क्वायर फीट का फॉर द कंपनी अराउंड 12-14 लाख रुपीस में रेडी कर लेते हैं केपेक्स केपेक्स कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स में करती है जैसे प्लांट मशीनरी आईटी और ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर रोजमर्रा के खर्चे हो गए कंपनी के जैसे मार्केटिंग पीपल कॉस्ट एक्सेट्रा 12-14 लाख केपेक्स के बाद यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है मंथली एक कार्ड करेक्ट सो मंथली हमारे एवरेज जितने स्टोर्स हैं कियोस्क हैं वो अराउंड 14-16 लाख रुपीस की एवरेज सेल करते हैं पर एनम पर मंथ वाओ 14-16 लाख का डिटेल बता दीजिए सो फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करते हैं हमारा एक स्टोर 15 लाख की सेल करता है तो 15 लाख के अंदर हमारा रेंट अमाउंट समवेयर अराउंड 1.5-1.5 लाख रुपए रहता है 10% वेरी गुड और प्लस हमारा अगर 15 लाख की हम सेल कर रहे हैं तो 15 लाख की सेल के अंदर 30% इज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग कि हमारा स्टॉक वहां तक पहुंचता है ट्रांसपोर्ट फ्रेट सब मिला के और प्रॉफिट कितना बचता है एंड में 15 लाख के अंदर हमारा इजीली 40-45% हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है ओह वाओ 6 लाख प्रॉफिट बनाते हैं अभी इजीली आराम से एक स्टोर के आपका 3.5-4 करोड़ रुपए महीने का सेल्स है सीधी बात है ना हमारा महीने का सेल 2.5-3.5 करोड़ 2.5 करोड़ की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया अपन ने एवरेज हम पर मंथ प्रॉफिट 45-50 लाख मिनिमम स्ट्रेच करते हैं अच्छा लास्ट ईयर का सेल्स क्या लास्ट ईयर का जो हमने टोटल सेल किया था दैट वाज अराउंड 5 करोड़ उस टाइम तक हम सिर्फ फ्रेंचाइजी स्टोर्स कर रहे थे हमने कंपनी ओन स्टोर्स नहीं कर रहे आप कितने लोकेशंस कर सकते हो पूरे इंडिया में इजीली अराउंड 150 स्टोर्स हम कर सकते हैं 150 स्टोर्स मतलब आज से 4 गुना मतलब आपका 30 करोड़ का सेल्स है तो 100 करोड़ पकड़ते हैं 100 करोड़ का सेल्स हो जाएगा उसमें आप नफा कमाओगे मे बी 20 करोड़ समथिंग लाइक दैट उसके बाद क्या प्लान तो फर्दर प्लान है कि अगर हमें इसका डिमांड और दिखेगा तो उसके हिसाब से टर्किश और मिडिल ईस्टर्न फूड लाइन के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कवर करेंगे नया ब्रांड शुरू करोगे तो उसके अंदर ही हम एक और एड ऑन डालेंगे एज अ न्यू ब्रांड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एज अ न्यू ब्रांड तो पाजी आप चाहते क्या हो सब कुछ तो है आपके पास एक होता है ना किसी को हम बोल सकते हैं हम तेरे को ये सिखाएंगे या ब्रांडिंग सिखाएंगे या तेरे को टेक्नोलॉजी सिखाएंगे या कुछ हमने एक चीज समझिए एक और 11 होते हैं और आज अगर हम जो कर रहे हैं हमारे साथ कोई भी मिलेगा तो हम उससे और ऊपर हायर हाइट्स पे जाएंगे आपको यहाँ पे मैं बताऊँ सच बताऊँ मैं आपसे सीख क्यों जा रहा हूँ आपको सिखाने के पास मेरे पास कुछ है ही नहीं अब आपका सपोर्ट रहे तो बाकी सपोर्ट दे देंगे बस दैट्स ऑल वी वांट मैं आपको एक डिसीजन अपना देता हूँ मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ बट मैं चाहता नहीं हूँ आप पैसे लो लेकिन अगर
अगर आप पीछे पड़ जाओगे मुझे पैसे चाहिए नहीं, आप चाहिए और ये आपको आपको कोई और ऑफर दे दे, कोई और ऑफर दे दे, मतलब कहने का मतलब है तो मैं उसके साथ आ जाऊंगा, जो वो डील बोलेगा ना मैं उसके साथ आ जाऊंगा। भाई मैं आपको मेरा फैसला बताता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि आप क्यों यहाँ आए हो आज फंडिंग के लिए, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। आप सच में मंजे हुए खिलाड़ी हो, आप तोड़ू हो, बहुत बड़ा काम करोगे और एक तरह से मुझे लग रहा है आपका जो स्ट्रेंथ है ना कि घुस जाना और कर लेना इज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे और मैं आपकी क्या मदद करूँगा, और मुझे प्रोडक्ट्स में भी इतना मजा नहीं आया। तो दीज टू रीजंस आई एम गोइंग टू बी आउट टुडे। मैं कहने जा रहा था आप है ना पैसा रेज मत करो, मेरा एडवाइस आपको ये होगा आप अपनी इक्विटी भी क्यों डाइल्यूट कर रहे हो, एक और जन आएगा एग्जिट मांगेगा, बहुत सारे पंगे रहेंगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, रियल में बोल रहा हूँ आपको सब कुछ ऑन ग्राउंड आपने रन किया है धंधे को आपको सब पता है, और शार्क टैंक पे आने के बाद और मार्केटिंग हो जाएगी बढ़िया, राइट? मैं आउट होना चाहूंगा फॉर दिस रीजन ओनली, मुझे लगता है कि आपको लेना ही नहीं चाहिए पैसा। मेरा भी वही डिसीजन है, जेन्युइनली आई डोंट थिंक आपको पैसों की जरूरत है और आपने इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए। We will always, always, always be there for you as mentors. Thank you so much. But let's not be investors today. एक शाक है, half in, half out है, तीन शाक out है, एक अभी बचे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे इस बिजनेस में? स्टार्टिंग से एक चीज थी कि घर वालों ने सबसे पहला था किसी से लेने से पहले पहले अपना प्लानिंग करो, उनको सर्व कैसे करोगे, उनको सर्विस कैसे दोगे, तब उनसे चेक लो, क्योंकि लेके किसी से हमने आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग फॉर मी। मेरे को जो इसमें समझ में आ रहा है आपके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग, चैलेंज आएगा आपको स्केल करने में और डिफेंसिबिलिटी बनाने में, और क्योंकि आपकी कैटेगरी में एक नॉवेल्टी है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, यू हैव टू बी केयरफुल एंड प्लान इन एडवांस। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी एंड 50 लाख डेट, और ये ऑफर मैं और अमन शेयर करेंगे आपके साथ 50-50। आपकी 30 करोड़ की सेल है, 5 करोड़ की वैल्यूएशन। अरे ठीक है यार, उनको पता है, उनको पता है। नहीं नहीं फिर भी यार कर दीजिए, वो उनका हमारा फर्ज बनता है। मंजे हुए खिलाड़ी हो आप, मंजे हुए खिलाड़ी हो, बहुत काबिलियत है। और देखिए अगर आज आप ये नहीं भी करेंगे तब भी आई विल ऑलवेज विश, रिटेलर्स हैं रिटेलर्स, हम आपको कभी भी मदद चाहिए मॉल में एंट्री में, आई नो एवरी मॉल इन इंडिया। चलो अब आप डिसाइड करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर सर, यू आर वेरी काइंड, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा लगा आके, बट ये ऑफर अभी हम नहीं ले पाएंगे। चलो थैंक यू यार, शाक्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर इतना गर्व है कि हम कई देशों में अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी यील्ड दूसरे देशों के मुकाबले कितनी कम है? उदाहरण के तौर पर इंडिया और चाइना हर साल लगभग 60 लाख टन कॉटन उगाते हैं, जिसके लिए इंडिया को 125 करोड़ हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है और चाइना को सिर्फ उसका 1/4 यानी कि 30 लाख हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन खेती में बहुत ज्यादा है। आज के बदलते भारत में जहां स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की मदद से खेती की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना हाथ बढ़ाएं और अपने किसानों की यील्ड बढ़ाएं। इसी मिशन के साथ हम लाए हैं ग्रोइ। नमस्कार शाक्स, मैं हूं सौरभ अग्रवाल। मैं अक्षय अग्रवाल, हम सूरत से हैं और हम हैं ग्रोइट के फाउंडर्स। ग्रोइट एक ऐसा ब्रांड है जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी संरक्षक खेती
की अवेयरनेस और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देता है। बहुत देशों में 70-80% फार्मर्स इस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पर भारत में सिर्फ 2% फार्मर्स इसके बारे में जानते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इंश्योर करते हैं कि खेत में पानी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कंजम्पशन 50% से कम हो और प्रोड्यूस को सनबर्न और रस्टिंग से बचाए और वीट ग्रोथ को रोक सके। इससे क्रॉप की यील्ड, क्वालिटी और फार्मर की इनकम 50% से लेकर 100% तक बढ़ सकती है। हमने भारत में 4 स्टेट्स में 15,000 फार्मर की यील्ड बढ़ाई है। हमारा विजन है कि हम भारत के हर किसान को प्रोटेक्टिव फार्मिंग के बारे में अवेयर करें और उन तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। शार्क्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 1% ऑफ इक्विटी। आइए शार्क्स, मिलकर बढ़ाए हर किसान का प्रॉफिट विद ग्रो इट। हमारा भी बढ़ा दो भाई थोड़ा। तो अक्षय एंड सौरभ, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है एंड आपने एक अच्छा सेक्टर पिक किया है, एग्रीकल्चर, जो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? एंड प्रोटेक्टिव फार्मिंग तो और भी इम्पोर्टेंट है। और आपने बताया वाटर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर 50% लेस यूसेज, तो ये तो एक बहुत साइंटिफिक प्रोडक्ट हो गया। मेरी मॉम का बहुत बड़ा फार्म है और वो खुद ये सब करती है। ओके, तो क्या साइंटिफिक नॉलेज आपने यूज किया बेस्ड ऑन व्हाट, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन बैकग्राउंड? तो शाक्स, हम लोग दोनों 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और मैंने मेरी ग्रेजुएशन यूके कार्डिफ यूनिवर्सिटी से करी है और मैंने मेरा एमबीए एसपीजेएन कॉलेज बॉम्बे से किया है और मैंने मेरा बैचलर्स और मास्टर्स प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग में किया है यूएस से, इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स near Boston. आप भाई है दोनों, सगे भाई। सगे भाई हो दोनों। हां जी, आप लुक लाइक एनीथिंग लाइक ईच अदर। तो ये एग्रीकल्चर का नॉलेज आपको कहां से आया? मेरी एक हॉबी थी घर में कुछ थोड़ा बहुत फार्मिंग करने की और मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर में जो भी खाते हैं वो हम फ्रेश खुद ही उगा के खाएं। तो वहां से हमने एक छोटे फार्म पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करनी शुरू की, मेरी रुचि उसमें और बढ़ी। तो हमने फिर सोचा कि एक बार थोड़ा स्टडी करते हैं कि फार्मिंग में और क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हमारी खुद की फार्म को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजीज हमें नहीं मिल रही थी, तो हम यूरोप, यूएस, चाइना सब जगह गए। तो हम लोग वो प्रोडक्ट्स लेके आए इंडिया, हमने वो प्रोडक्ट्स को हमारे फार्म पे यूज़ किया लेकिन नहीं चले। तो उसके बाद सिंस अक्षय का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन बेटर देयर। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए और उन्होंने बोला कि देख क्या है क्या नहीं है, प्लास्टिक्स रिलेटेड है। तो फिर मैंने पीछे से R&D करी और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बना के भी दिए और हमने जब सक्सेस हमको हमारे फार्म पे मिली तो हमने फार्मर्स को दिया कि आप भी ट्राई करो। ओके, तो जब उनका पॉजिटिव रिस्पांस आया तो हमने सोचा कि अगर ये कुछ फार्मर्स में इतना पॉजिटिव रिस्पांस है तो अगर हम देश भर में ये काम करें तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की तरह हो सकता है। आपका फार्म है कहाँ? सूरत में। सूरत, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है फार्मिंग में? मुझे फार्मिंग का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंटरेस्ट है। आपको पैसा बनाना है। अरे आपने बताया 50-100% यील्ड बढ़ जाती है फार्मर्स की, वो क्या किया आपने, क्या इजाद किया? मैं कुछ केस स्टडीज बताना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉटन विदाउट एनी मल्चिंग फिल्म और उसके हो रही है और यहाँ पे विद मल्चिंग फिल्म हो रही है। सो इसके कारण अगर आप नीचे नंबर्स देखेंगे तो फार्मर्स को नेट इनकम में ऑलमोस्ट डबल का बेनिफिट हुआ है। एवरेज है कि टॉप सक्सेस स्टोरी? नहीं नहीं नहीं, एवरेज है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 5-10% का फार्मिंग प्रैक्टिस के बेस पे उसका वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, ये क्या है मल्चिंग फिल्म? सो मल्चिंग इज बेसिकली टू कवर द सॉइल, उसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको प्रिवेंट करने के लिए, वीड ग्रोथ को रोकने के लिए और जो पेस्ट अटैक होता है उसको भी रोकता है वो। और किस मटीरियल का बना है? प्लास्टिक मटीरियल। प्लास्टिक। टोटल इंडिया में मल्चिंग, ये जो प्लास्टिक है, इसके कितने मूल्य की खपत है? तो आज के टाइम पे खाली मल्चिंग की अगर बात करें तो लगभग 450-500 करोड़ का मल्चिंग इंडिया में सेल। That represents only 2%. Only 2%. Got it. Thank you. फार्मर्स को जब आप ये बताते हो तो मान जाते हैं आपकी बात? हाँ, फार्मर्स को अगर उनको प्रॉपर तरीके से अगर कन्वे करते हैं तो वो लोग डेफिनेटली दे आर वेरी अडॉप्टिव है उस चीज के लिए और उसकी के लिए हमने डेमो फार्म्स बनाते हैं। तो हम हर तालुका में 70 से ज्यादा अभी तक डेमो फार्म्स बना चुके हैं और उसी का एक नमूना यहाँ पे रखा हुआ भी है। ये मल्चिंग है ना? हाँ, ये मल्चिंग है। यस, ये मल्चिंग है और ये वीड मैट है। जैसे आप देख रहे हैं ये वीड्स है, जो जंगली घास जिसको कहते हैं अपन, तो वो ना उगे उसके लिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन खा जाता है सॉइल का। ये क्रॉप कवर है। हाँ, तीन ही प्रोडक्ट्स? नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, लेकिन डेमो फार्म में हम सारे तीन हमने दिखाए। गॉट इट। ये भाई साहब, ये ले जाएं। सर वो देना ही, आपको ही देने के लिए लाए हैं। आपने
हमारा काम आधा कर दिया। अरे आप हमारी वैल्यूएशन आधी कर दो। अभी आपके जो प्रोडक्ट रेंज है सब कुछ इसमें कवर है कि इसके अलावा भी कुछ है? टोटल 18 प्रोडक्ट्स है, सारे इसमें कवर है। इसके नीचे भी एक ड्रॉअर है, इसके नीचे एक ड्रॉअर है। ये बड़ी बारीकी से आपने बनाया, बड़ा अच्छा लगा देख के। थैंक यू। पर आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको? तो जो हमने आरएनडी करी, हमने इसमें जो एडिटिव्स डाले हैं वो इंश्योर करते हैं कि क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद भी फिल्म लास्ट करे। सो हम लोग इंडिया के फर्स्ट कंपनी है जो ये फिल्म बायबैक भी करती है, और हमने ये लॉन्च जस्ट 6 महीने पहले किया, और अब तक हमने 40 लाख वर्थ ऑफ फिल्म बायबैक करके उसको रिसाइकल भी किया। अभी आपने ये नहीं बताया कि मल्चिंग का खर्चा कितना है। सो एक एकड़ के ऊपर फार्मर्स को 12 से 15 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है, जिसके सामने उसका आउटपुट जो है वो ओवरऑल डबल हो जाता है, जो उसकी इनकम ओवरऑल डबल हो जाती है। आप ही कह रहे हो कि जो मोटा मोटी जो मल्चिंग का खर्चा है वो तो इसकी जो सेविंग हुई उसी में कवर हो गया। एग्जैक्टली, ये बेंचमार्क नंबर है सारे। हाँ बिल्कुल, कमाल का। 18 प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेल 30-40-50-60-70% हो आपके सारे बिजनेस का? मल्चिंग फिल्म आज के दिन में हमारा ऑलमोस्ट 80% इज मल्चिंग फिल्म। मुझे 100 करोड़ का राज सुनना। श्योर। सो लास्ट ईयर की हमारी सेल्स थी 20 करोड़, और इस साल की हमारी अब तक की 6 महीने की सेल हो चुकी है 13 करोड़, जबकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो होता है वो पीक सीजन होता तो है। कितने में एग्जिट करेंगे? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? इस साल हम लोगों का एक्सपेक्टेशन अराउंड 35-40 करोड़ की सेल का है। Wow. अभी 13 है, उसके बाद इतना और हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाफ 6 महीने जो होते हैं वो हाईएस्ट। लास्ट ईयर 20 करोड़ के सीजन, लास्ट ईयर 20 करोड़ का रहा था, उसमें बताइए कि फर्स्ट हाफ में कितना गया था, सेकंड हाफ में कितना गया था? फर्स्ट हाफ में सिर्फ 6 करोड़ था, 14 करोड़ बाद में गया था। हाँ. तो ऑलमोस्ट आपका 2.5x रिपीट होगी। भाई आप एक महीने का 2 करोड़ रुपए का मल्चिंग फिल्म या प्लास्टिक पेपर बेच रहे हो, जो भी मान लो आप उसको, कमाल की बात है यार। कहां से क्या हो गया? मैं क्या, मैं ऑफर दे दूं? हाँ, पहले ऑफर ले लो फिर बात करते हैं। एक तो पहले ये एरिया में सचमुच मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज़ लाइक आई सेड आई हैव ग्रोन अप सीइंग माय मॉम। मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है कि 80% सेल्स आपका मल्चिंग से आता है। Yes. और ये जो 18 प्रोडक्ट है, यू नो, एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं, a farmer at some point has to use all 18. तो जैसे आपका जो एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव क्यों लगा, क्योंकि 80% इफ इट्स मल्चिंग, वो फार्मर्स को हम बाकी 17 प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। बॉटम लाइन, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, आई थिंक आई कैन हेल्प यू। मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 50 लाख इन इक्विटी फॉर 1% इक्विटी। मैं आपको वैल्यू कर रही हूँ एट 50 crores एंड 50% डेट एट 10% इंटरेस्ट रेट। क्या उधार उधार दे रहे हो? बट आई एम ओपन। तुझे क्या है यार, तू तेरा दे। बहुत याना, मतलब नाक डालते रहते, उनको क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? मैं नहीं चुप बैठूंगी, चुप गब्बस। अभी आप सुनिए मेरा, ठीक है? आई एम ओपन टू नेगोसिएशन। मैं अभी डॉल्फिन बन रही हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छा कॉज है, एंड मैं पर्पस में बिलीव करती हूँ। बट आई थिंक 50 crore वैल्यूएशन इज फेयर। ना फर्क पड़ता है इन्हें प्रॉफिट से, ना फर्क पड़ता है यूनिट इकोनॉमिक्स से। आई लव व्हाट यू आर डूइंग, पर मैं ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे जानना है प्रॉफिट कितना है। 60% सेल एक्सपेक्टेड है B2B बिजनेस से, जहां पे ये सब कंपनीज के साथ होगा, और 40% एक्सपेक्टेड है D2C जो फ्रेंचाइज मॉडल है उसके साथ। और इसमें कितना मार्जिन है अपना? 22% ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें। आपके घर में कितना बचता है? उसमें घर में अराउंड 5-6% का हम लोगों को एबिटा आता है, और 2-3% का पैट आता है। और दूसरी साइड पे? दूसरी साइड पे 14 crore आपका वहाँ रेवेन्यू हो गया। दूसरी साइड पे, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, हम लोगों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए काफी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एबिटा पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग पैट नेगेटिव है, जिसके लिए हम लोगों ने कितना पैसा लॉस? लास्ट ईयर हम लोगों ने 1.5 crore बर्न किया था। इस साल कितना बर्न करा? इस साल अभी तक हमने मार्च में 3 crore रुपीज फर्स्ट राउंड फंड रेज किया था, कुछ HNI और बाकी इन्वेस्टर्स के। 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने फंड रेज किया था। देखो, इक्विटी आपने क्या बताई थी? सो 50 करोड़ पे हमने 6% डाइल्यूट किया था, 3 करोड़ रुपीस रेज किए थे, रेस्ट इक्विटी हमारे पास है। विद इन द फैमिली मतलब हम दोनों और हमारी मदर। कैसे स्प्लिट है? 30-30, 1/3, 1/3। हां, 1/3। वेरी गुड। अनुपम ने आपसे पूछा, वो जो 14 करोड़ है उसमें आपने इस साल कितना बर्न कर रहे हो?
उसके लिए। तो इस साल पूरे साल में हम लोग उस 14 करोड़ में लगभग 4-5 करोड़ रुपीस बर्न करेंगे। तो आप एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी होगी इस साल। तो 25-30 करोड़ में तो प्रॉफिट बन नहीं रहा है, तो अगले साल क्या रेवेन्यू होगा और क्या एबिटा आएगा और पैट आएगा? सो जो नंबर्स है उसमें अगर हम नेक्स्ट ईयर अगर हम 100 करोड़ की सेल्स रीच करते हैं तो हमारे को उसमें 6 करोड़ का एबिटा मार्जिन आएगा और हम लोग को उसमें 2-3 करोड़ का उसमें पैट मार्जिन आएगा। तो आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे जब आपकी 100 करोड़ की सेल होगी, तब भी 1-2% ही पैट बोल रहे हैं, 2%। यार देखो काम तो अच्छा है, बिजनेस मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो मुझे लगता है कई हद तक जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा, 500 करोड़ से 5000 करोड़ पहुंचेगा, बहुत से प्लेयर्स आ जाएंगे, ये जो देहात एग्रो स्टार है ये छापा मार मार के बेचेंगे, आपको कमोडिटाइज कर देंगे। यू आर ऑलरेडी कमोडिटाइज, 1-2% का मार्जिन। तो इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन आपने दिशा अच्छी पकड़ी है तो आई होप समथिंग वर्क्स आउट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अनुपम जो कह रहा है उसकी बात से काफ़ी सहमत हूँ, मेरे को भी लग रहा है कि कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं मिल रही मेरे को जिसकी वजह से ये कमोडिटाइज नहीं हो जाएगा बिजनेस। सेकंड, इतना बड़ा काम करके भी इतना लो मार्जिन बिजनेस में आगे मैं एज ए इन्वेस्टर पैसे कैसे बना पाऊंगा वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आज मैं आउट होना चाहूँगा, पर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं भी आउट हूँ, पर आपको इसमें जो करना चाहिए ना किसी तरह, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, आपके मोबाइल शॉप्स होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मर्स जाते हैं फॉर प्रीपेड और वो अला, वहाँ पे एजुकेशन किसी तरह आपको किसी तरह भी आपने अवेयरनेस मॉडल्स पे और स्टडी मारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाकी लोग कैसे पहुँच रहे हैं, इतने फार्मर्स को कैसे रीच कर रहे हैं। तो दैट इज बी माई सजेशन टू गो डीपर इन टू मोर एवेन्यूज फॉर रीचिंग द फार्मर। मुझे एक चीज बताइए, 5 साल में क्या विजन है और कितना बड़ा बिजनेस बनेगा और क्या इम्पैक्ट आएगा? 5 साल में ग्रोइट बी नोन एज डबलिंग फार्मर्स आउटपुट एंड इनकम, दैट इज व्हाट ग्रोइट वांट्स टू बी नोन फॉर थ्रू प्रोटेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, और कितना बड़ा, क्या स्केल होगा? 300 करोड़ का रेवेन्यू हम इस बिजनेस से करेंगे। 300 करोड़ का रेवेन्यू आप करेंगे और कितना पैट करेंगे उस टाइम? उसमें अराउंड 22-24 करोड़ का पैट होगा उस टाइम पे। कुछ भी बोल दो यार, 5 साल किसने देखा? नहीं, जो नंबर्स हमने रन किए वो आपको चाहिए तो वी कैन शेयर द शीट्स। मैं थोड़ा छोटा सोच रहे हो, आप टैलेंटेड हो, पढ़ाई करके आए हो, आपकी मदद से हम उसको और बढ़ा सकते हैं। हाई एंड इतनी पढ़ाई करके आए हो आप, एमबीए भी किया है आपने और अभी भी अच्छा बिजनेस बना रहे हो। 5 साल में हिंदुस्तान में आज अगर आप 30 करोड़ कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपका 1000 करोड़ से कम का बिजनेस होने एम्बिशन होना नहीं चाहिए। उसीलिए हम यहाँ आए। ऑफ कोर्स होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप 300 करोड़ का बिजनेस बनाओगे तो ऑनेस्टली हमारा पैसा नहीं बनेगा और कौन एग्जिट लेगा, तो अभी सोचना पड़ेगा स्ट्रेटेजी पे। मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं नमिता अगर ओके हैं तो इनके साथ जुड़ना चाहूंगा, सेम वैल्यूएशन। और देखिए, आपको सचमुच दो शार्क्स ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत बहुत पैशनेट है इस सेक्टर को लेके, एंड ऑनेस्टली मैं आपको नॉट एज अ शार्क बता रही हूँ, रैशनली के अच्छा ऑफर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। पहले तो थैंक यू नमिता एंड पीयूष फॉर द ऑफर। क्या हम काउंटर कर सकते हैं इसको? आपका नहीं नहीं, करो करो, हाँ बोलिए आप। सो सिंस हम लोगों ने लास्ट फंड रेज हम लोगों ने 50 करोड़ पे किया था, सो क्या हम 75 की वैल्यूएशन पे इसको कर सकते हैं? आई विल टेल यू समथिंग, आपका लॉस मेकिंग बिजनेस है। मैं जब हम डेप्थ में गए, इवन दिस ईयर लॉस मेकिंग होगा। एज अ प्रिंसिपल मैं कैश बर्न बिजनेस में बहुत रेयरली इन्वेस्ट करती हूँ। इट्स अ फेयर वैल्यूएशन और 1% में कुछ बनेगा नहीं रिटर्न। अगर मैं बोलूं फेयर ऑफर दिया ना, लॉन्ग टर्म प्ले, बहुत फेयर ऑफर है, वेरी फेयर ऑफर। देखो मैंने तो लिखी है, वेरी गुड एंड आई लव योर एंथुसियाज्म। ग्रो इट। थैंक यू मेरे से नहीं झगड़े आज। ये तो मेरे को आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू गाइस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस। आज शॉक एक्सपीरियंस में नमिता, पुणे से साक्षी का सवाल है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक अच्छी एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। क्या आपको कभी ऐसा सेल्फ डाउट होता है और इसे मैं कैसे टैकल करूँ?
साक्षी आपके सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड होगा आपकी सेल्स। तो पहले आप सोचिए कि इज योर सेल्स गुड और बैड। अगर आपकी सेल्स अच्छी है दैट्स योर रिपोर्ट कार्ड। डोंट लेट एनीवन और एनीथिंग मेस विद योर कॉन्फिडेंस। और सेल्स नहीं है तो जाके मेंटर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, कंज्यूमर्स का फीडबैक लाइए एंड मेक द चेंजेस। मुझे तो एक ही तरीका आता है, नंबर्स लाओ और सब को चुप करो, इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ डाउट।